फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी में बीजेपी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर निशान पर? अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि पार्टी में इस बात को लेकर कभी कभी ना विवाद खड़ा हो जा रहा है। अब तक तो यही समझा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनके ही नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये बात किसी और ने नहीं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी, वो भी सबके सामने जब उनके साथ सब लोग बैठे थे मंच पर, जब वो लखनऊ गए थे बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि 2022 में योगी की जीत ही 2024 में मोदी की जीत, और उसके ठीक 4 दिनों बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस में कह दिया ऐसी बात कि उस बात पर बहुत कुछ बखेरा खड़ा हो गया। और उन्होंने क्या कहा उसको सुनिए। उन्होंने कहा, जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि यूपी में बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो केशव प्रसाद मौर्य का जवाब आया टपाक से। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी कमल फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वैसे तार्किक आधार पर देखें तो ये बात सही है, कमल निशान पर ही वोट मांगा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पर वो ये भी कह सकते थे कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये बात उन्होंने हाथरस में कही। उस हाथरस में जब उन्होंने ये बात कही, उस समय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी हाथरस में ही थे। तीनों का साथ का कार्यक्रम था बीजेपी का, और उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दे दिया। तो बात तो अलग अलग तरीके की हो गई। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके मन में क्या है, तमाम तरह के सवाले आने लगे। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसी बातें 2-3 महीने पहले कही थी, जब इस बात को लेकर कन्फ्यूजन बहुत फैल गया था कि क्या बीजेपी यूपी में असम वाला प्रयोग तो नहीं करने वाली। अब असम वाला प्रयोग क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। असम में क्या हुआ कि वहाँ सर्वानंद सोनोवाल बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, और बीजेपी की रणनीति वहाँ अमित शाह की जो रणनीति थी वो ये थी कि हम किसी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ये कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बनानी है और जब चुनाव हो जाएगा तब हम तय करेंगे कि असम में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। और यही हुआ, क्योंकि उनके मन में, उनकी स्ट्रेटजी में ना सीएम का चेहरा सर्वानंद सोनोवाल ना होकर के हेमंत विश्व शर्मा हो चुके थे, और इसीलिए जब चुनावी नतीजे आए तो सर्वानंद सोनोवाल असम से उठकर दिल्ली आ गए, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए, और हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। तो एक सवाल ये उठने लगा था कि क्या यूपी में भी असम की तरह प्रयोग होगा। बहुत तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में भी कुछ अनबन है। एक अनबन जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 जो सरकार में है। नंबर 1 कौन? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और नंबर 2 कौन? तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी में 2 डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। लेकिन दिनेश शर्मा को लेकर कभी विवाद नहीं रहा। ये जब चल रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यूपी में बीजेपी की तरफ से, कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था। ये कहा जा रहा था बीजेपी की एक लॉबी की तरफ से कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने बहुत मेहनत किया, सरकार अच्छा चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से ये बात बार बार कह रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। लेकिन उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बयान उन्होंने देना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, मामला ऐसा है कि जो नए चुनकर विधायक आएंगे ना वो तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। उन्होंने कहा बीजेपी में एक परंपरा रही है कि जो विधायक चुनकर आते हैं वो अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करते हैं, केंद्र से पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक विधायकों से राय मशवरा करते हैं,
और उसके बाद नए नेता के नाम का अनाउंसमेंट होता है, यानी ऐलान होता है, ये फैसला सबको बताया जाता है। ये बीजेपी की परंपरा रही है और इसी परंपरा के हिसाब से यूपी में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और उसी वक्त लगातार यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार कहते थे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने यूपी की तकदीर बदल दी, उन्होंने यूपी की तस्वीर बदल दी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे आम, और स्वतंत्र देव सिंह कह रहे थे इमली। लगातार ये हफ्ते 10 दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि जब अमित शाह जो लगातार 2014, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की रणनीति और चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथ में थी, जब उन्होंने कह दिया कि योगी की जीत ही मोदी की जीत होगी तो बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बात खत्म नहीं हो रही। ये जो नया बयान आया है कि हम कमल फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में केशव प्रसाद मौर्य ने तो कोई बात नहीं कही, उन्होंने जो एक बात कह दी वही बात हो गई, लेकिन उनके जो करीबी नेता हैं वो इसके समर्थन में दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात बीजेपी की भलाई के लिए कही है, इससे बीजेपी को वोट मिलेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो उसका भी तर्क देते हैं केशव प्रसाद मौर्य के करीबी नेताओं की जो टोली है। वो कह रहे हैं कि जब अमित शाह ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, तो जो पिछड़ी बिरादरी है, पिछड़ी जाति है, जो 50% से भी अधिक वोटर हैं यूपी में, वो पिछड़ी बिरादरी के हैं, और पूरा का पूरा फोकस अखिलेश यादव और बीजेपी का भी इसी वोट बैंक पर है, इस वोट बैंक ने जिसका साथ दे दिया यूपी में उसी की सरकार बनेगी, ये सब मानते और जानते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी नेताओं का तर्क ये है कि जब अमित शाह ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, तो पिछड़ी बिरादरी के लोगों में एक निराशा हो गई, उनके समाज का कोई अपना मुख्यमंत्री होगा, तो इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया तो पिछड़ों को लग रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, पिछड़े को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। ऐसा उनके कहने से पिछड़ों में जोश आएगा, वो बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी के लिए वोट करेंगे, मेहनत करेंगे, अगले 2-3-4 महीने जो चुनाव के रह गए हैं वो घर में उदासीन होकर नहीं बैठेंगे, तो इससे पिछड़ी जाति के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नया उत्साह आ जाएगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये उनके करीबी लोगों का कहना है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर अपनी कोई सफाई या कोई बात सामने नहीं रखी है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में ये जो अनबन की खबरें हैं वो लगातार पिछले 5 सालों से छन छन कर आती रही। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। बात 2017 की है, यूपी चुनाव के नतीजे आ गए थे। जब नतीजे आए उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे और केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने सबसे पहले 300 के पार का नारा दिया था, और ऐसा ही हुआ भी, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, 300 से अधिक सीटें मिली बीजेपी को। उसके बाद मुख्यमंत्री की रेस में केशव प्रसाद मौर्य भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे, कुछ और भी नाम थे, जो मनोज सिन्हा हैं उनका नाम भी चल रहा था, बहुत सारे नाम उस वक्त चल रहे थे, लेकिन रेस में जीत मिली योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पर ही संतोष करना पड़ा। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब लगा सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इन दोनों नेताओं के बीच में। लखनऊ में मुख्यमंत्री का जो सरकारी घर है ना, वो 5 कालिदास मार्ग कहलाता है, और 7 कालिदास मार्ग का जो बंगला है उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। मुश्किल से 70-80 मीटर की दोनों के बीच की दूरी है। मैंने दूरी ऐसी कई बार नापी भी है लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग के बीच की। लेकिन 4.5 साल हो गए केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के घर तो कई बार गए, चूंकि वहां सीएम मीटिंग बुलाते थे, उनको जाना ही था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी 70 मीटर की दूरी तय नहीं की और केशव प्रसाद मौर्य के घर नहीं गए। ये जो दोनों के बीच के मतभेद, मनभेद या मठभेद, जो अखिलेश यादव चुटकी भी लेते हैं कि बीजेपी में ना मनभेद नहीं मठभेद भी है, तो उन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल किया है इस बीजेपी में, आपसी जो मनमुटाव या अनबन, जो भी आप जैसा भी समझें और सोचें या कहें, ये बात है। संघ को भी लगा कि कुछ बात गड़बड़ है और सब ठीक होना चाहिए, तो संघ में जो नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबोले, जिनका नया ठिकाना भी आजकल यूपी में ही है, वहाँ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, चुनाव भी है, उनकी पहल पर डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। बहाना ये दिया गया कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी
और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वो किसी को बुला नहीं पाए थे। ये नितांत व्यक्तिगत रहा, निजी मामला रहा शादी का, तो वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। लगा बातचीत अब खत्म हो जाएगी, दोनों मिले, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथ मिल जाने से क्या दिल भी मिल जाता है, तो शायद वही रहा होगा। अब इन दोनों के मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये वही जाने, पर ये जरूर है, ये जो कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ है या सब कुछ ठीक नहीं है, इसको इस लिहाज से भी आप सोच सकते हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, केशव प्रसाद मौर्य किसको इंजीनियर इन चीफ बनाना चाहते थे नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी और को चाहते थे, बहुत सारी कहानियां हैं। कहां पर ऑफिस चाहते थे केशव प्रसाद मौर्य, उनको ऑफिस कहां पर मिला, तो 50 चीज़ें ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से बीच बीच में कुछ बयान आ जाते हैं उसको लेकर के बात खत्म नहीं होती है, उसका जो एक नया इंस्टॉलमेंट, वो कहते हैं ना गतांग से आगे, जो फिल्मों में होती है कि एक फिल्म बन गई उसके एक दूसरे सिक्वल में दूसरी भी फिल्म आ जाती है, तो एक चैप्टर क्लोज होता नहीं है। इन दोनों के रिश्तों को लेकर के यूपी बीजेपी में एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो नया चैप्टर शुरू हो गया है कि ये जो कमल का फूल का नेतृत्व बनाम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, अब इन दोनों के इस बीच इस चैप्टर से, दोनों के रिश्तों के इस चैप्टर से बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है या कितना नुकसान होता है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। अगर आपको भी कुछ कहना है इन दोनों के रिश्तों पर या आपसी अनबन पर, जो लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग तो चुटकी लेते हैं, बीजेपी का कोई नेता इस पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपके मन में कुछ होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी मन की बात ज़रूर हमें बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा और फिर आप सबको जवाब भी दूंगा, जो अगर समझ में आई बात। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।